नमस्कार, प्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। इस खबर के प्रायोजक हैं जैन हॉस्पिटल, ट्रस्टेड नेम इन हेल्थ केयर। जैन हॉस्पिटल बिरसा डेंटल कॉलेज कैंपस सेक्टर 8C बोकारो झारखंड। एफोर्डेबल मेडिकल सर्विस, 100-bed हॉस्पिटल, फुली एयर कंडीशन वार्ड, 24x7 एम्बुलेंस सर्विस अवेलेबल, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी सर्विसेज, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी। अफीम की तस्करी कर ट्रेन के माध्यम से यूपी के बरेली ले जाने की तैयारी में जुटी एक महिला तस्कर को कोडरमा GRP ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला के पास से 3 किलो अफीम बरामद हुआ है। आरोपी महिला सप्ता देवी चतरा जिले के तेतरिया गांव की रहने वाली है। पूछताछ में महिला ने स्वीकार किया, पहले वह पति के द्वारा लिए गए कर्ज को तोड़ने के लिए इस पेशे में आई और बाद में फंस गई। उसकी बेटी एक निजी स्कूल में पढ़ती है, उसका हजारों का फीस व घर चलाने के लिए तस्करी कर रही थी। महिला ने यह भी बताया कि उसे एक अन्य व्यक्ति ने इस अफीम को पहुंचाने के लिए दिया था, इसके बदले में उसे कुछ पैसे मिलते। जानकारी के अनुसार तस्करी को लेकर सबसे पहले तिलैया पुलिस को सूचना मिली थी। थाना के पैंथर ने उक्त सूचना GRP को दी तो GRP ने जाँच अभियान के दौरान उक्त महिला को प्लास्टिक के थैले में रखे अफीम के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल महिला से पूछताछ जारी है। इस संबंध में हमारे कोडरमा संवाददाता मुकेश गोस्वामी की एक रिपोर्ट। महिला पकड़ी गई। कैसे पूरा ऑपरेशन ये हुआ, अंजाम दिया गया? एक गुप्त सूचना मिली थी हमारे पास कि कोई महिला यहाँ पे बैठकर अफीम लेके जा रही है। पिछले दिनों भी तिलैया थाना क्षेत्र में भी इसी तरह का केस आया था, एक महिला पकड़ी गई थी। ये महिला एक्चुअल में क्या लग रहा है, सिर्फ कुरियर का काम कर रही थी या एक्चुअल में धंधा से जुड़ी हुई है, क्या अभी तक का इस तरह भी कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि जांच का विषय है। जांच पूरा होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कहाँ से वो ला रही थी, कहाँ जा रही थी, ये क्या कुछ पता चलता है? सर ये कहाँ से आ रही थी और कहाँ लेके ये सामान जा रही थी? ये चतरा से आ रही थी और ये बरेली लेके जा रही थी। हजारीबाग की रहने वाली है, चतरा की रहने वाली? चतरा की रहने वाली है। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर, हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।